लोकप्रिय और देश के भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई नेतृत्व देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, श्री अविनाश राय जी खन्ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय सतीश जी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र जी, श्री अर्जुन जी मेघवाल, श्री कैलाश जी चौधरी, हमारे मंच पर उपस्थित उपनेता प्रतिपक्ष के श्री राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे आदरणीय वी सतीश जी, चितन चंद्रशेखर जी, दोनों पास्ट प्रेसिडेंट्स हमारे प्रणामी जी और अरुण जी चतुर्वेदी, हम सब की ओर से मैं फिर बधाई देना चाहूंगी हमारे नवनिर्वाचित राज्यसभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी गहलोत, जोर से ताली बजाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी विजय हुई है कल। हाँ, राज्यसभा के सदस्य, सॉरी, मेरे सामने बैठे हुए और मुझे मालूम है जो आज के इस कार्यक्रम के में साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्तागण, सबका आज इस वर्चुअल रैली के अंदर हम सब आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की ओर से अध्यक्ष जी का स्वागत, और मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग हमारे साथ, मैं अभी सतीश जी की सुन रही थी, 35 लाख लोगों ने स्मृति जी के कार्यक्रम को सुना, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह से जुड़े, करोड़ों की संख्या में हमारे होम मिनिस्टर, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से जुड़ने बिहार वाली रैली के अंदर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुड़ी, और मुझे विश्वास है कि आज भी लाखों की संख्या में हमारे नड्डा जी के इस वर्चुअल रैली के अंदर लोग बहुत अच्छी संख्या में जुड़ने का काम करेंगे। ये पिछले दिनों के अंदर जो महामारी का दौर पड़ा है, और जिस महामारी के दौर के अंदर और जिस गंभीरता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में पार्टी ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाते हुए और कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हुए, कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करते हुए जिस तरीके से मोटिवेट करने का काम किया कि कार्यकर्ता एक सेना के रूप में जगह जगह पे फैल गई और सब लोगों से मिलके सबके हाल खबर ही नहीं पूछे, परंतु फील्ड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मोटिवेशन की वजह से हमारे कार्यकर्ता ने इतना सुंदर काम करके आपके सामने दिखाया। आपने हम लोगों की मीटिंग में कहा था, मुझे याद है, जब हम लोग सब जुड़ते थे आपके पहले तो एवरीडे जो बात होती थी, उन मीटिंग्स के अंदर आपने यही कहा था कि सब लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बाहर जाएंगे, और उस समय मुझे याद है, सतीश जी आप भी बैठे हैं, मुझे याद है कि उन्होंने तब कहा, मुझे याद नहीं है किसने कहा, परंतु अपने में से किसी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को भी तो डर लगेगा कि वो सबके बीच में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उनके परिवार वाले उनको, उनके लिए क्या कहेंगे, और उस समय कार्य अपने अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, परंतु मुझे विश्वास है कि पूरे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर फैल के इस महामारी के अंदर जिस तरीके का संबल देंगे, न कभी पहले देखा है और
कोई ने आज भी नहीं देखा होगा। गर्व करते हैं हम सब हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा, जब आपने अध्यक्ष जी उनको कहा, जब आपने उनको आदेशित किया, सब लोग अपने क्षेत्र के अंदर, वो राजस्थान हो किसी भी स्टेट में हो, निकल गए। राजस्थान की तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने उसको बड़े करीब से देखा। हमने देखा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों के पास गए, बार बार उनसे हम जैसे लोगों ने आग्रह किया कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। उन्होंने अपना ध्यान भी रखा और कोई कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं, सबके बीच में जाके जहाँ जहाँ मुसीबत आ रही थी वहाँ लोगों को खाने का सामान, चाहे वो गीला सामान था चाहे वो पैकेट में सामान बांध के दिया, जब ज़रूरत पड़ी दवाई, ज़रूरत पड़ी किट, वो सब देने का काम किया। और जब हमारे प्रवासी वापस लौट रहे थे तो रास्ते पे खड़े होके उनके भोजन का, उनके पानी का, उनका सबका इंतज़ाम करते हुए, यहाँ तक भी कि चप्पल जूतों का भी इंतज़ाम करके उन लोगों को अपने घर में आराम से भेजने का काम किया। कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक छोटी गाड़ियों का भी इंतज़ाम करवा दिया, बसों का भी इंतज़ाम करवा दिया, ताकि उनको आगे ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत नहीं होगी और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो आराम से उनको ले जा सकेंगे। बड़े करीब से देखा हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने 40,000-50,000 रुपए दे दे के दूर दूर से कार्यकर्ता जो फंसे हुए थे उनको वापस लाने का काम किया। कभी ये नहीं कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आया, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने लोगों को बहुत दूर तक ले जाने का काम किया। मैं उन सब के सामने नतमस्तक हूँ, उन कार्यकर्ताओं को आपने मोटिवेट किया अध्यक्ष जी, और आज आपकी वजह से जो मूवमेंट हुआ है राजस्थान के अंदर, मैं तो समझती हूँ, और इसीलिए रोज सुनने को आता है कांग्रेस वाले सुन, अरे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कर नहीं पाए हैं, परंतु वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले से लगाने का काम किया ऐसे लोगों को, जो लोग संकट से गुजर रहे थे, जो काम कई जगह पे उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया, इसलिए उनके सामने सिर झुकाने का काम हम आज करना चाहेंगे। मैं उन 20 वीर सैनिकों को भी नमन करना चाहती हूं आज, वो जरूरी है क्योंकि पढ़ते हैं सुनते हैं, परंतु आपको मालूम है कि शहादत देने वाले लोग उनको तो सब याद करते ही हैं, आज ही नहीं वो बहुत दिनों तक, आने वाले समय में भी लोग उनको याद करेंगे। आज हम सब की ओर से मैं श्रद्धांजलि फिर से अर्पित करना चाहूंगी उन 20 वीर सैनिकों को जिन्होंने चीन की सेना को टक्कर दी और मातृभूमि की रक्षा करने में शहीद हो गए, उन सबको नमन करना चाहती हूं हम सब की ओर से, और सबको याद भी दिलाना चाहती हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग मानते हैं। कल ही उनकी बात सुनी और मैं आपको सबको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पुलवामा में नहीं छोड़ा तो आने वाले समय के अंदर इनको भी नहीं छोड़ने का काम करेंगे। और मैं सबको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कोई भी हमारी इन बातों को कायरता न समझें, जान जाएं कि हम लोग आज यहाँ खड़े हैं और आने वाले समय के अंदर ये जो जाने गई हैं उन जानों के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। चीन को पहले भी देखा है, आज भी देखेंगे, इसकी चिंता हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, याद है आप लोगों को जब अपन बात करते थे कि कितने लोग हमारे इस पार्टी के आज देश के अंदर मेंबर्स हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनना इतने छोटे से समय में, मैं समझती हूं कि नामुमकिन लगता है,
परंतु मोदी जी ने उसको मुमकिन करके छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाली राजनीति 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 जैसे अभी तक इतने सालों से हम देखते हुए आए हैं वो नहीं, परंतु डेवलपमेंट की राजनीति अगर किसी ने पहले जमीन के ऊपर लाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और आज हमारे आदरणीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने सबने मिलकर की है। वादे इलेक्शन के अंदर सब लोग करते हैं, और मुझे याद है कि हम लोग जब नए नौसिखिया निकले थे, हम जब माइक को पकड़ते थे तो लोग हमसे यही कहते थे, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो कहते थे कि कुछ भी बोल दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। यह लगातार कांग्रेस को मैंने बड़े करीब से देखा है, इसलिए मैं कहती हूं, हमेशा कहते थे क्या है बाद में देखा जाएगा। और सब पूरी जनता जानती थी कि इलेक्शन के टाइम में हमको वादा तो करेंगे, जैसे इन्होंने वादा किया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा राजस्थान में जिसके लोन को हम माफ नहीं करेंगे। आपने सुना बिजली के बिल माफ करेंगे, क्या क्या वादे नहीं किए, बात में आ गए लोग और वोट भी दे दिए, और आज बाद में जब गिनती करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये वही कांग्रेस की झूठे वादे जो हमेशा करते आते थे वो ये आज भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए, जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए उसको जमीन के ऊपर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने करने का काम किया। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पहली दफा हम लोगों को देखने को मिला। कईयों ने कहा ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर कोई जीतता नहीं है, बैठे हो ना, हम लोग सब बैठे हुए हैं, बातें जब होती हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स पे कौन जीतता है। जब पूरे 5 साल हुए अगला इलेक्शन हुआ तो ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ही था, जिस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी लहर चला के रख दी, जिस लहर के अंदर ये पूरे कांग्रेस और उनके सब साथी बह गए और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत के आई, जो मैं समझती हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। अभी हाल ही में 30 मई को विश्व के हमारे सबसे प्रिय नेता प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार ने सफलतापूर्वक 1 साल पूरा किया है, उनका पहला साल, 5 साल वो, फिर अब अपना ये 1 साल। 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट किया वो आप लोगों ने बड़े करीब से देखा, और अभी भी जो वादे किए ज्यादातर उस समय का भी अपन ने बात की थी, परंतु 1 साल के अंदर कितने सारे काम हो गए वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए। मैं कुन के याद दिलाऊंगी, क्योंकि वैसे तो सतीश जी ने भी आपके सामने उनको लाने का काम किया है, और मुझे मालूम कि विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी इन सब चीजों को, इन सब बिंदुओं के ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित जरूर करेंगे। परंतु किसी ने सोचा था, हाँ राजीव गांधी ने आपको याद है इसका बड़ा नाटक किया था कि हमारी मुसलमान बहनों का तलाक, ये 3 तलाक को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, शुरुआत उनने करने की कोशिश की थी, भाषण वाषण भी बहुत बड़े बड़े किए थे, परंतु अंत में क्या हुआ वो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा आज, और लोगों ने सोच लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता है, परंतु इस 1 साल के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिला। 3 तलाक को खत्म करने का कानून बन चुका है, धारा 370 को हटाने का किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये कर सकेंगे, सबका सपना था कि होगा, परंतु आज करके दिखाने का काम किया है। लद्दाख को अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम कर लिया है, राम मंदिर का निर्माण, उसका उसकी राह खोलने का काम, कितना बड़ा काम करके छोड़ दिया है। शरणार्थियों का जैसे अभी आपने कहा, कितने करीब से हम लोगों ने अपने राजस्थान के शरणार्थियों को देखा था, मुझे याद है अपनी सरकार थी और उस समय उन लोगों के बीच में जाने का मौका भी मिला, उनके कैंपों में जाने का मौका मिला, ऐसे बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर थे, परंतु
उनको अपने देश के अंदर सम्मानजनक तरीके से खड़ा करने का और वापस लाने का काम, वापस लाने का माने अपने पैर पे खड़ा होने का और एक जिंदगी देने का काम ये नागरिक संशोधन कानून बनाकर उन्होंने किया। आत्मनिर्भर भारत के अंदर 20 लाख करोड़, ये छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा पैसा है, 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज बनाने का, क्योंकि लोग यही सोचते थे कि हिंदुस्तान ने कभी बड़े पैकेज दिए नहीं है, कर भी नहीं सकेंगे, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे चल के हम लोग कैसे करेंगे। परंतु इन सब चीजों को सामने लाके उसके बारे में सोच विचार करके आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज बनाकर और उसकी घोषणा करके लोगों को, हमारी जनता को पेश करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाए, और मुझे याद है जब पैसे पहुंचाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया था तो हमारी कांग्रेस पीछे नहीं रह कैसे रह सकती। उन्होंने भी अनाउंस किया कि हम 2500 रुपए देंगे, लोगों के अकाउंट में हम डालने का काम करेंगे। परंतु हमें भी मालूम था कि वो एक महीने से ज्यादा चलेगा भी नहीं, और वही हुआ। एक महीने के लिए उन्होंने 2500 रुपए कर दिए, हमारे तो पैसे आते गए, उनके पैसे एक दफा आए और जैसे हमेशा होते वहीं के वहीं उन्होंने छोड़ दिया। कब कुछ उनके पास पैसा है नहीं और ना कर सकते थे। 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर महानरेगा के कारण बने के द्वारा इतने सारे लोगों को, जो मैं समझती हूं भूतों न भविष्यते, इतने सारे लोगों को काम देने का काम किया है। यहां उन्होंने संख्या ही नहीं बढ़ाई परंतु साथ में उसका मानदेय भी बढ़ाने का काम किया है, जो गरीबों को का एक संबल बन के रहेगा। किसान सम्मान निधि, किसानों को 2000 रुपए देने का काम, 3 बार ये जमा होता है पैसा, उसमें पहले किश्त इनकी सबके खाते में आ गई है। जब भी जहां भी मैंने पूछा, किसानों ने कहा साहब हमारे यहां हमारे खाते में पैसे आ गए हैं। कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख का हेल्थ कवर बीमा, किसने सोचा था। बीपीएल को 5 किलो गेहूं और चावल और 1 किलो दाल मुफ्त। आज प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कितनी बड़ी योजना की शुरुआत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के द्वारा उन्होंने शुरू किया है, उनको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो मैं समझती हूं, अब मैं जब ये देख रही थी कि अपने लघु उद्योग के अंदर, और एक दफा लघु उद्योग मंत्री रहने की वजह से मैं कभी कभी सोचती हूं कि लघु उद्योग के अंदर जो छोटे छोटे लोग लगे थे, आज के इस जमाने के अंदर उनकी क्या हालत हो रही है, उनके बारे में उन्होंने सोचा। और उनके लिए भी कोई छोटा मोटा नहीं, कितना बड़ा पैकेज। क्रेडिट गारंटी एक ऐसी चीज है जो अगर मिल जाती है और सरकार उसको गारंटी कर देती है उस क्रेडिट को, तो उसके फायदे कितने सारे लघु उद्योग को मिलता था। हमारे समय में लघु उद्योग के लिए हम लोगों ने जो क्रेडिट गारंटी बनाई थी वो छोटी सी थी। आज के समय में जो प्रधानमंत्री जी ने क्रेडिट गारंटी बनाई है वो इतनी बड़ी है कि मैं समझती हूं कि जो भी लघु उद्योग के लोग अब लड़खड़ा रहे हैं उनको एक तरीके से बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोकली आपने धंधा किया है, उन लोकली धंधों को कैसे खड़ा करना। उन्होंने कहा बाहर क्यों देखते हो, पहले अपने इलाके में देखो, अपने गरेबान में झांक के देखो, अगर हो सकता है तो अपने छोटे छोटे धंधों को अपने इलाके के अंदर मजबूत करने की कोशिश कर दो। इन सब चीजों की घोषणाएं उन्होंने की, और हमें तो ये मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा और आपके नड्डा जी साथ मिलकर काम, जब आप लोग सब मिलकर काम करोगे तो मुझे तो विश्वास है कि ये खाली घोषणा ही घोषणा नहीं है। जिस तरीके से 1 साल के अंदर आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया, आने वाले समय के अंदर हमारी जनता को इन सब घोषणाओं का लाभ जरूर मिलेगा। मुझे मालूम है कि बड़े विस्तार से नड्डा जी आपको इसके बारे में बताएंगे, परंतु मैं आप सबका, नड्डा जी आपका, प्रधानमंत्री जी और सबका आभार हम सब की ओर से प्रदर्शित करना चाहूंगी। ये ऐसे निर्णय हैं जिनके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसकी भावना हम लोगों को अच्छी तरह से दिखाता है। मैं फिर से आप लोग सबका आभार देना चाहूंगी, सब लोगों का,
और इसी विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हमारी गरीब जनता, जिनने कोविड के समय में बहुत मैंने दुख पाया है, ऐसे लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने का एक बहुत बड़ा मौका आप लोग देंगे और उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। फिर से धन्यवाद आप लोग सबको, सब कार्यकर्ता बंधु जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये वर्चुअल रैली एक ऐसी चीज है जो आज के जमाने के अंदर, लोग कहते हैं ये कब खत्म हो गया महामारी, तो ये तो अभी समय लगेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कट ऑफ हो जाते, आज के दिन उनको कट ऑफ होने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक दूसरे से फेस टाइम, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रैलीज, इनसे मिलते रहेंगे और आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा। राजस्थान की ये जो कार्यकर्ता बंधु बैठे हुए हैं वो आपके पीछे खड़े हैं और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। इतना ही कहकर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस वर्चुअल रैली को आपने राजस्थान के अंदर हमारे सब कार्यकर्ताओं को और हमारी सब जनता को संबोधित करने का ये निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।